तुनवाल की ई स्कूटी बहुत ही बढ़िया फीचर के साथ मार्केट में लॉन्च हो गई है साथियों। यदि आप भी स्कूटी लेना चाहते हैं तो आप 308 नंबर ऑटो मार्केट में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छे फीचर के साथ अवेलेबल हो गई है। जैसे कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि 12 वोल्टेज के पॉइंट के साथ ये स्कूटी चार्ज हो जाती है। आप इसको इन्वर्टर पर भी चार्जिंग कर सकते हैं और इस स्कूटी के अंदर आप अपना मोबाइल चार्जिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक मोबाइल चार्जिंग की सॉकेट भी अलग से दी हुई है। तो साथियों, नए फीचर के साथ आपको ये स्कूटी मार्केट में मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें और यदि आपने फ्री में कोई विज्ञापन देना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें। नमस्कार साथियों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि इस स्कूटी में आपको क्या क्या नया फीचर मिलने वाला है, क्या इसकी नई खासियत रहने वाली है, यह अदर जो स्कूटी है उससे इसमें क्या डिफरेंस है, यह आपको एक बार चार्जिंग करने के बाद कितने किलोमीटर चलेगी, क्या आपको इसके अंदर नया फीचर मिलने वाला है, ये सभी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी दी जाएगी। तो साथियों, आज हम जानेंगे तुनवाल के अल्फा प्रो मॉडल के बारे में कि आपको इसमें क्या खासियत मिलने वाली है। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी सर, आप बताइएगा कि इस मॉडल में हमारे दर्शकों को क्या फायदा मिलने वाला है और क्या इसके अंदर अभी नया फीचर आया हुआ है। ये अभी तुनवाल का सर ये नया लेटेस्ट मॉडल है अल्फा प्रो। इसके अंदर आपको 90 से 100 किलोमीटर के अंदर ये मॉडल आपके मिल जाएगा। क्या है, पहले आते ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 किलोमीटर। अब ये मॉडल निकाला कंपनी ने, हैवी मॉडल में, हैवी बॉडी में 90 से 100 किलोमीटर। आपको चारों तरफ की स्टील की एसेसरी मिलेगी, लगी लगाई फूट रेस्ट वगैरह इसके अंदर दिक्कत नहीं। आपको ये सभी इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर मैट भी मिलेगा, यहाँ पे मैट लगेगा और इसके अंदर यहाँ पे स्पेस सामान रखने के लिए अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है इसके अंदर। और स्कूटी के आपकी लंबाई के हिसाब से पहले क्या है, सीट छोटी होती थी, इसके अंदर आपको सीट भी पूरी मिलेगी। लोगे आप 28 एम्पीयर की बैटरी में उसमें से 50 से 60 किलोमीटर रनिंग है। इसकी लाइट वगैरह कैसी है सर, जैसे कि यदि हम इसको रात में चलाते हैं तो इसकी जो आगे फ्रंट की लाइट है वो कितनी तेज लाइट है सर? इसकी लाइट एलईडी है भैया, आप चेक कर सकते हो। आज के दिन गाड़ी है जो वो आपको इसके अंदर वो मिल जाएगा जो आजकल फ्यूचर गाड़ी के अंदर आए हुए हैं। ये नहीं है इसके अंदर बल्ब है, बल्ब नहीं इसके अंदर, क्रोम साइड में है और इसके अंदर सिंपल ब्रेक है। क्या सर ये महिलाओं के चलाने के लिए सुटेबल है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसको लड़कियां चला सकती हैं बड़ी आसानी से। बिल्कुल, और ये इसके अंदर तुनवाल के अंदर है आपको ये जो सारों चारों तरफ एसेसरी है ये आपको लगी लगाई मिलेगी। ये नहीं है मार्केट से बाद में 2000 की लगेगी, 2500 की, नहीं, ये लगी लगाई आती है सर। क्योंकि ये चीज़ है, कल कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी गिर जाए और आप खुद से चला रहे हो, कोई अन्य आदमी इसके अंदर लग जाए तो आपको ये चीज़ें इसके अंदर लगी लगाई मिलेगी। इसको सर बाद में अगर कोई आदमी इसको खरीद के मॉडिफाई करवाना चाहे तो क्या इसमें सर मॉडिफाई करवाने का कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसके आप मॉडिफाई करवा के, मैं इसमें ये इसके अंदर आपको सारी फैसिलिटी है। इसके अंदर मोबाइल चार्जर का भी है, इसके अंदर ऐसी कोई नहीं, सभी फ्यूचर है इसके अंदर। अच्छा सर, यहाँ पे एक मोबाइल चार्ज लगा सकते हैं, ये इन्होंने पॉइंट दिया हुआ मोबाइल चार्जिंग का। तो ये तो साथियों बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा है कि आप जब लॉन्ग ड्राइव करते हैं या फिर आपका मोबाइल अगर डाउन है तो आप इससे चार्ज भी कर सकते हैं और इसमें चलता भी रहता है। तो ये तो सर अगर स्कूटी खड़ी है तो भी मोबाइल चार्ज लगा सकते हैं, लगा सकते। ये तो एक बहुत बढ़िया फीचर हमें यहाँ पे मिलने वाला है कि जब भी किसी का मोबाइल डाउन हो तो स्कूटी को खड़े करके हम उसको मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं। एमरजेंसी बैटरी चार्जिंग की प्रॉब्लम भी यहाँ पे आपने सोल्यूशन कर रखी है। और इसके अंदर क्या नई खूबी आई हुई है सर कि हमारे साथी स्कूटी को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें या इसको पसंद करें? इलेक्ट्रिक स्कूटी है, मैं क्या था भाई साहब, पहले आते थे तो जैसे कि दो बंदे बैठे हैं इस पर, तीन बंदे बैठे हैं और पुल पे चढ़ाई है, पुल पे नहीं चढ़ती थी। आप इस पर बैठ के देख सकते हो, ट्राई मार के, दो बंदे तीन बंदे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कितनी भी रनिंग करनी है, स्पीड है कितनी, 50-30 की स्पीड है, 52 तक। इसका रेट दोबारा बताइए क्या इसका रेट? इसका रेट आप 28 CH की बैटरी के अंदर लोगे तो उसका कंपनी ने अभी दैनिक भास्कर अखबार में ऐड दी हुई है, 28 फरवरी तक इसका रेट है 54,000 रुपये। और इसके 43 एम्पीयर की बैटरी 90 से 100 किलोमीटर में लोगे तो इसका रेट है 62,000 रुपये। अच्छा अच्छा सर, एक बात और बताइएगा आप,
जैसे कि हम ये स्कूटी खरीद लेते हैं तो उसके बाद हम इसको चार्ज करके पूरा चलाते हैं, तो कस्टमर को कैसे फील होगा कि अभी इसकी बैटरी डाउन होने वाली है, उसको फील कैसे पता चलेगा कि वो बीच में ना रहे इसके अंदर, जैसे अपने मोड चलने वाली है, जैसे इसके अंदर मोबाइल में डंडे होते हैं इसके भी ऐसे इसी तरह डंडे होते हैं, ये कम हो जाते हैं। और ये कंपनी टेस्टेड है, कंपनी खुद टेस्ट करके देती है सब कुछ ओके है या ना है, पूरे ओके टेस्टेड की किट लगती है उसी टाइम ये होता है। सर इसको हमें जैसे कि हमारे पास सोलर प्लेट हमने घर पे लगवा रखी है तो क्या हम उसके थ्रू भी इसको चार्ज कर सकते हैं या फिर ये बैटरी इन्वर्टर से भी चार्ज होती है? बिल्कुल कर सकते हो आप। तो कितनी वोल्टेज का पॉइंट इसके लिए जरूरी है सर हमें चार्जिंग? नॉर्मल जैसे मोबाइल चार्जिंग करते हैं 200 वोल्टेज का। अगर ये नॉर्मल है जैसे आपके घर में जो चीज यूज करते हैं उस प्लग में इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे लगा के आप ये मोबाइल जैसे मोबाइल चार्जिंग लगाते हैं ऐसे ही स्कूटर को चार्ज लगाते हैं। यस सर। ये ज्यादा स्पीड कितनी दे सके? ज्यादा से स्पीड ज्यादा से ज्यादा 52-53 तक। अच्छा, इसको यदि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड पे चलाए तो क्या इसकी जो बैटरी की जो जो खपत है वो ज़्यादा होगी ये डाउन या फिर वो उसी स्पीड से चलती रहेगी? बिल्कुल सर बिल्कुल। देखो जैसे कि स्पीड आप रनिंग करते हैं, आप ये स्कूटी है 50 की स्पीड पे चला रहे हो, अभी ये 50 की स्पीड के बाद ये 50 किलोमीटर आपने रनिंग कर ली उसके बाद ये स्पीड धीरे 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 कम करने लगेगी। ये नहीं है कि जैसे आजकल लिथियम बैटरी आई हुई है मार्केट में वो एकदम डाउन होती है, लेकिन ये डाउन नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे शोरूम पे हरियाणा का ही आदमी स्कूटी को खरीद सकता है या फिर अदर स्टेट का आदमी भी खरीद सकता है? अदर स्टेट कहीं भी कहीं से भी तुनवाल इलेक्ट्रिक भाई आपको कम से कम ज्यादा से ज्यादा 20-30 किलोमीटर के अंदर आपको एजेंसी मिलेगी और इसकी आप कहीं से भी ले सकते हो इलेक्ट्रिक स्कूटी, आप कहीं पे भी रिप्लेसमेंट करवा सकते हो वारंटी का सामान। एक इसकी टोल फ्री नंबर भी है, नेट पे आप सर्च मार सकते हो जो कुछ है वो उसके अंदर सभी चीजें आपको मिलेगी। एक इसकी बैटरी लाइफ कितने साल माना? बैटरी साहब चलने पे डिपेंड है, आप 1.5-2 साल मान के चलो बैटरी चल जाती है नॉर्मल। आप ज्यादा यूज करते हो जैसे एक बैटरी सेट है 28 एम्पेयर का है, 5 बैटरी है 15-16 हजार किलोमीटर चल जाती है, और 43 एम्पेयर का बैटरी सेट 30-35 हजार किलोमीटर तक चल जाता है। अगर कल को हम इसकी बैटरी को चेंज करवाना चाहें तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इसका कितने रुपए में वो बैटरी चेंज? 28 एम्पेयर की 5 बैटरी पुरानी बैटरी लेके आज का रेट है 11,000 रुपये मार्केट रेट है। वैसे कोई झूठ बोलता है मेरी 12,000 की है चीज इसके अंदर ये है मेरे उसके अंदर वो, लेकिन नहीं आजकल क्या है मार्केट के अंदर सभी मार्के लगा के बेच रहे हैं, ऐसे झूठ से आप सावधान रहना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ क्या है आज कोई भी है, आप ये देखोगे जैसे ये तुनवाल इलेक्ट्रिक है आप इसको उतारने की कोशिश करोगे ये नहीं उतरेगा ठीक है। और आप इलेक्ट्रिक स्कूटियों में क्या हुआ है आजकल मरका स्पीकर लगाओ और सेल करो और फिर दौड़ जाओ, आजकल झूठ बोलने वाले आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आप तुनवाल की इंक्वायरी करो सब कुछ करो, आप इसके अंदर फाइबर चेक कर सकते हो कैसा फाइबर है, आप इसके अंदर बॉडी चेक कर सकते हो, वेट रख के चेक कर सकते हो, आप इसके अंदर जो कुछ है इसकी ये चीज़ है, यदि ये हार्ड होगी तो ये टूटेगी, लेकिन इसकी आप चेक कर सकते हो देखो ये चीज़ें हैं ठीक है, ये बिल्कुल हाँ लचक होगी तो इसके अंदर आप 2-3 बंदे बैठ के जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। RC लाइसेंस नंबर? सर इसका ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो RC है इसके अंदर कंपनी ने एक दे रखे है, 9 RC 9 LSS, हेलमेट अपनी सेफ्टी है तो हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए लगाना होता है तो ये है। हाँ जी, तो इसके अंदर क्या है कि ना ही तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और ना ही इसके अंदर लाइसेंस लेना पड़ता, कोई भी और इसके अंदर महिला चला सकती है इसको। 24/4/2014 कंपनी की डेट दे रखी है जिससे चली थी। सर जैसे कि ये स्कूटी बैटरी से ही चलती है तो इसमें कस्टमर को या ग्राहक को कोई किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह का डर तो नहीं होता ना सर, क्योंकि ये बैटरी से चलती है? सर ऐसा कोई भी शॉर्ट नहीं है, जो आजकल लिथियम बैटरी आप यूट्यूब के माध्यम से भी देखोगे तो कई बैटरियां ब्लास्ट हो रही है, लेकिन वो इनके अंदर नहीं होती, वो लिथियम बैटरी है जो आजकल चाइना से डायरेक्ट लेके आ रहे हैं, वो 15-15-20-20 हजार की बेच के भाग रहे हैं, लेकिन आपको इस स्कूटी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है,
यदि ये विस्फोट होगी तो आपको बकायदा कंपनी में कंप्लेंट कर सकते हो कि साहब आप हमको जो कुछ है इसकी इस कंपनी की इसी कंपनी की बैटरी इसके साथ आती है, ताकि कल को कोई दिक्कत हो तो कंपनी भुगत सकती है। यदि कोई भी ऐसी चीज़ है इसके अंदर आपको चीज़ें मिलेगी, ये है इसकी बैटरी, आपको इसके अंदर ये मिलेगी 43 AH की बैटरी, आपको ये मिलेगी 28 एम्पेयर की बैटरी, ये कंपनी ने खुद की दे रखी है जुनवाल इलेक्ट्रिक। आप इसके अंदर पूरा एड्रेस कर सकते हो, स्कैन कोड कर सकते हो, जैसे कि आप कल इसको क्या है देखो, ये हाँ, स्कैन है, स्कैन है, कंपनी ने इसका स्कैन कोड दे रखा है। ये नहीं है कि आपको झूठ बोल के मार्केट से सामान लो, नहीं, कंपनी ने अपना पूरा एड्रेस दे रखा है गांधीनगर। दोनों मिरर मिलेंगे आपको, इसके अंदर मैट भी होता है, इसके अंदर ये इसके साथ मिरर होते हैं, ये इसके अंदर मैट होता है, ये इसकी बैटरी की पत्ती होती है, सब जो बैटरी हिले ना। एक बार मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इसकी स्कूटी के मिरर है वो हमारे दर्शकों को दिखा दें, ये मिरर उसी स्कूटी के सेम होंगे ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये देखिए साथियों, आपके यहाँ पे ये जो स्कूटी है इसमें दो मिरर मिल जाते हैं जो आपको पीछे का दृश्य देखने में काफी आपकी हेल्प करते हैं। सर आप एक बार अपना एड्रेस और बता दें हमारे दर्शकों को, जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपका ये एड्रेस विजिट कर सके। सर अपना ये है तुनवाल कंपनी की है, तुनवाल हिसार में है, अपना ऑटो मार्केट में 308 नंबर शॉप नंबर है, दूसरी शॉप अपने हिसार में ही है, हिसार में डाबड़ा चौक पे है, अपनी पूरा हरियाणा में है। ये नहीं आप इलेक्ट्रिक स्कूटी आप कहीं से लो, कोई दिक्कत है तो आप कभी भी किसी से आप सर्च मारो गूगल पे, तुनवाल हरियाणा में आपको कोई कंप्लेंट है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो किसी की, किसी डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या कंपनी में भी आप नेट पे सर्च मार सकते हो। अच्छा, ये मान लो फायदा है कि आपने यहाँ से स्कूटी ली है, दिक्कत होगी 50 किलोमीटर दूर, तो वहाँ भी आप 50 सर्विस ले सकते हो, वहाँ पे आपको डीलर मिलेगा तुनवाल का। आप नजदीक है, आप आगे जाओगे यहाँ से, जैसे अगरोवा में मिलेगा आपको, अगरोवा के बाद फतेहाबाद में मिलेगा, फतेहाबाद के बाद आपको सिरसा में मिलेगा, इधर जाओगे इस बेल्ट में आपको बरवाला मिलेगा, बरवाला के बाद आपको उचियाणा में मिलेगा, धनौदा में मिलेगा, उकलाना में मिलेगा, हर जगह आपको ये सुविधा दी जाए। सर ये स्कूटी यदि हम महिला या लड़कियों के नाम पे यदि खरीदते हैं तो क्या उनको कोई अलग से छूट दी जाती है क्या कंपनी के द्वारा? कंपनी की तरफ से देखो ऐसी कोई वो नहीं होती, लेकिन खुद पे डिपेंड करता है कि वो महिलाओं की इज्जत करता है या नहीं करता। सही बात, ठीक है, वो नारी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए छूट देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी वो है कभी जो अपने आप को वो बोलते हैं हम ये ना, उसके लिए विशेष छूट जरूर देंगे साहब, ऐसी कोई वो नहीं है। एक सर ये स्कूटी लोन के ऊपर भी मिल जाती है क्या आपके यहाँ पे कोई सर्विस? क्रेडिट कार्ड के अंदर आपके पास कोई वो है तो उसके अंदर EMI हो जाती है इसके, और अभी आप 2 दिन के बाद अपने पास ये भी आधार कार्ड और पैन कार्ड पे लोन हो जाएगा। कितना परसेंट मैक्सिमम आप वो सर यहाँ पे लोन दे दिया जाएगा सर हमारे पास? वो सर क्या है जैसे कि उसका आधार कार्ड पैन कार्ड पे स्कोर देखा जाएगा, सिविल के अकॉर्डिंग आपको उसके बताया जाएगा आपको इसका कितना लोन हो जाएगा, इस पे आपको डाउन पेमेंट कितनी देगी। आपका टाइमिंग क्या रहता है सर शोरूम पे यहाँ पे मॉर्निंग में? सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो साथियों यदि आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटी यदि खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं भूमि ई बाइक, यहाँ पे एजेंसी है साथियों, यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया ई स्कूटी मिल रही है। किसी भी साथी ने ये स्कूटी लेनी है तो आप हमें विजिट कर सकते हैं, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि किसी भी साथी का किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी से रिलेटेड कोई भी सवाल या जवाब है तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं।